जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल वहीद है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हूँ और फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे दिमाग और जो हरा मगज़ के बाहर की जो नसें हैं, जो कि हमारे दोनों बाजुओं को, हाथों को और टांगों और नीचे वाली टांगें और पाँव को जो सप्लाई करते हैं, उनका डैमेज होता है उन नसों का। वजूहत क्या होती है? वी हैव डिफरेंट रीजंस, जिसमें सबसे जो कॉमन हमारी सोसाइटी में है दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज की वजह से न्यूरोपैथी हो जाना, वो भी एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। जो टॉक्सिक न्यूरोपैथीज आ जाती हैं, स्पेशली वो लोग जो कि किसी भी चीज़ के नशे में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों में आ जाती है। ड्रग एंड्यूस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि एक्यूटली हमारी नसों को अटैक करती हैं और मरीज जो है वो इस कंडीशन में जो है वो चला जाता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रिवेंट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी जो फाइबर रिच डाइट होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो वाइटमिन की सप्लीमेंटेशन, जिसमें वाइटमिन बी और वाइटमिन डी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी हाई रिच एंटी ऑक्सीडेंट आपके जो फूड्स होते हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारी जो नट्स आ जाते हैं, स्पेशली जो विंटर्स में हम यूटिलाइज करते हैं, उनमें इन दोनों की यूटिलाइजेशन जो है ये आपकी न्यूरोपैथी को होने से बचाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, जैसे कि फ्राइड आइटम्स आ जाती हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में हलवा पूरी आ गया, नान चने और नान आ जाता है ख़ासतौर पर, जो जो शॉर्मा ब्रांड्स आजकल बहुत यूटिलाइज की जाती हैं। फ्राइड आइटम्स में फ्राइड किसी भी तरह की जो फ्राइड आइटम्स हैं, लोकली आप हैंडमेड ले लें या घर पर ले लें, बाहर से लें, जो भी हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर नर्व हेल्थ। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जैसे आपकी मेंटल हेल्थ होती है, जैसे आपके हार्ट की हेल्थ है, मसल्स की हेल्थ है, बॉडी की हेल्थ है, इसी तरह नर्व की हेल्थ के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इसकी हेल्थ को मेनटेन रखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़, जैसे कि पहले मैंने बताया, जो प्रिवेंशन में है वो अब इसमें वाइटामिन की जो डोमेन है वो बढ़ जाती हैं। इसमें वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसमें B1 है, B12 है, B4 है एंड B6 आ जाता है। वाइटामिन डी की सप्लीमेंटेशन आ जाती है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन डी है, इन सब की सप्लीमेंटेशन नर्व को बहुत अच्छा हेल्दी रखती है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनकी जो प्रिकॉशन और वो सारी चीज़ें हैं वो भी आपके नर्व की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जी इसको हमने तशखीस कैसे करना है। अब तशखीस करने के लिए इसमें एक तो सेंसरी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आप बुकिंग करवाते हैं और वो सेंसरी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मोटर एग्जामिनेशन आपके साथ लिंक्ड आ जाता है। एंड जो इसका लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसे हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं। वो हमें बताती हैं कि नर्व की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी हद तक है। पथी के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं? वी हैव मल्टीपल ड्रग ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन आ जाती हैं, ओपिओइड्स हमारे पास आ जाते हैं, टॉपिकल कोम जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। तो वी हैव मल्टीपल डोमेन्स टू डील विद न्यूरोपैथी। उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हैं इस बीमारी की हो सकती हैं? अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी उनके हाथों और टांग जो दोनों पाँव हैं उनको डील करती हैं। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि पेन, नवनेस और वीकनेस, मैंने कहा यही कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेन जो कि ठीक नहीं हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से मरीज़ की जो मोबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट जो है वो अपनी मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उन लोगों में इवेंचुअली अल्सर्स बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फुट अल्सर्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि क्रॉनिक न्यूरोपैथी के पेशेंट होते हैं। एंड इसके अलावा फुट अल्सर्स के अलावा इन लोगों में कॉन्ट्रेक्चर्स यानी कि जो है वो हाथ, मिसाल के तौर पर अगर हाथ का न्यूरोपैथी है या पाँव की न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी है, तो वो ऐसे जो है वो उड़ जाता है हाथ या पाँव, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे वापस जो है वो नहीं आता। कॉन्ट्रेक्चर्स सख्ती आ जाती हैं आपके जोड़ में और पट्ठों में और जो टेंडन होते हैं, उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि जिसमें हमारे पास क्लब फुट, हाई आर्च फुट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक जो न्यूरोपैथिक पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा मसल एट्रोफी यानी कि मसल जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और आपके मरीज़ को उसकी वजह सिकुड़ने की वजह से एक तो पावर जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है,
और जो पेन है वो भी बढ़ती है और जो आपकी पॉवर्टी यानी कि जो मोहताजी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अब जो इसके जो सोशल फैक्टर्स हैं, सोशली पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे पीरियड डिक्लाइन में जाते हैं कि नहीं हम शायद इलाज ना करवाएं, मल्टीपल प्रेस्क्रिप्शन होती हैं उनके पास। तो ट्रीटमेंट किसी भी न्यूरोपैथी का बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी अवेलेबल फॉर्म है, कौन सी टाइप है। टाइमली किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप अगर आपको अगर किसी भी पेशेंट को पेन, नर्वनेस, वीकनेस आती है पाँव में हाथों में, काइंडली कंसिडर करें कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप कंसल्ट करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।